everyone, how are you all? Hope everything is fine. Welcome back to my channel. So today I'm going to explain you the rest part of chapter third the Magic Lunch box. There was an assessment that's why I did not explain. Today I' am going to explain and we'll complete this chapter today and uh, prepare an introduction and send me not more than 30 or 40 seconds best ten entries i'll accept and uh, send till thursday and i told earlier also in yesterday's online class so let's start today's session सो so, हमने यहाँ तक तो रीड कर ही लिया था कि रिनी और उसके फ्रेंड्स ने ये प्लानिंग की थी कि वन बाय वन सब क्लास के पीछे जाके बैठेंगे और इस चीज़ पर नज़र रखेंगे कि आखिर रिनी का लंच बॉक्स कैसे गायब होता है मतलब उसमें से फ़ूड कैसे एक्सचेंज हो जाता है और उस पर टीचर भी उन्हें डांटती है बट फिर भी वो ध्यान रखते हैं जस्ट बिफोर द लंच ब्रेक किया सॉ न्यू गर्ल वॉकिंग टू द शेल्फ एट द बेक ऑफ द क्लास तो तब जैसे ही लंच लंच थोड़ा सा पहले किया एक न्यू गर्ल को देखती है जो शेल्फ की तरफ जा रही है क्लास के पीछे शी क्विकली पिक्ड अप ब्रिनीस लंच बॉक्स फ्रॉम द टॉप शेल्फ एंड एक्सचेंज इट विद एन आइडेंटिकल वन फ्रॉम द बॉटम शेल्फ अब वो क्या करती है जो न्यू गर्ल होती है वो जल्दी से जो रिनी का जो लंच बॉक्स से जो टॉप पर रखा हुआ है उसे लेकर के और एक्सचेंज कर लेती है उसके खुद के लंच बॉक्स से जो आइडेंटिकल होता है वो उसी का लंच बॉक्स होता है यानी रिनी का और जो न्यू गर्ल है उन दोनों का लंच बॉक्स सेम होता है तो रिनी का बॉट टॉप पर होता है और उस न्यू गर्ल का बॉटम पर होता है तो वो जल्दी से एक्सचेंज कर लेती है किसी को पता ना चले शेल्फ में इन द लंच ब्रेक द फोर चिल्ड्रन वॉक आफ्टर द न्यू गर्ल फिर लंच ब्रेक होता है तो जो चारों बच्चे होते हैं वो उस गर्ल के पीछे जाते हैं शी सेट एट अ टेबल फार अवे फ्राम दियर वो उनसे दूर बैठती है शी क्विकली ओपन द बॉक्स एंड बिगेन ईटिंग नूडल्स फ्राम इट और वो बैठ जाती है और बैठ करके फटाफट नूडल्स खाने लगती है द चिल्ड्रन वॉक अप टू हर फिर वो चारों बच्चे उनके पास जाते हैं जो चारों फ्रेंड्स हैं डू यू लाइक नूडल्स सेट करण तो करण कहता है या करण पूछता है उस न्यू गर्ल से क्या तुम्हें नूडल्स पसंद है द गर्ल लुक ड अप इन सरप्राइज जो न्यू गर्ल होती है वो उनकी तरफ एकदम सरप्राइज से देखती है अरे ये मुझसे कौन पूछ रहा है, है न कभी पूछा नहीं है और अचानक से किसी ने आके पूछा यस आई डू सेट द गर्ल तो लड़की कहती है येस आई डू हाँ मुझे पसंद है माई मदर मेक्स नूडल्स फॉर मी एवरी डे मेरी मोम मेरे लिए डेली नूडल्स बनाती है अब देखो चोरी तो यहीं पकड़ी गई नूडल्स बना कौन रहा है ला कौन रहा है और खा कौन रहा है ठीक है न वाई आर यू टेलिंग लाइज सैडरीनी रिनी ने कहा अरे झूठ क्यों बोल रही हो तुम दैट इज माई लंच बॉक्स एंड माई मदर मैट दोज नूडल्स फॉर मी सेड रिनी तो रीनी ने कहा यह लंच बॉक्स मेरा है और ये नूडल्स मेरी मोम ने मेरे लिए बनाए हैं द गर्ल्स लुक डाउन देन शी लुकड अप एट द चिल्ड्रन ब्रेवली पहले तो उसने अपना सर नीचे कर लिया है ना लुकडाउन का मतलब अपना सर नीचे कर लिया शर्म के मारे कि हाँ भाई मेरी चोरी पकड़ी गई है मेरी गलती पकड़ी गई है फिर उसने ब्रेवली अपना सर ऊंचा किया या ऊपर देखा अपना सर उठा के आई एम सो सॉरी शी इज सैड उसने कहा सॉरी ऑन द फर्स्ट डे इन स्कूल आई सो यू इटिंग नूडल्स माई मम्मी सेज दैट इटिंग नूडल्स एवरी डे इज़ नॉट गुड फॉर मी तो अब वो बता रही है कि फर्स्ट डे जब स्कूल में मैंने तुम्हें नूडल्स खाते हुए देखा बट मेरी मोम ने मुझे कहा है कि नूडल डेली नूडल्स खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है ये बात उस न्यू गर्ल की मोम ने उसके लिए कही तो अब हो सकता है कि उसको नूडल्स पसंद हो तो वो अपना लंच बॉक्स एक्सचेंज कर रही हो उससे ठीक है ना क्योंकि हमारी पसंद की चीज़ अगर कहीं हो तो हमें कभी कभी लालच आ ही जाता है इस चीज़ का माय लंच बॉक्स वॉज जस्ट लाइक योर सो आई स्टार्टेड एक्सचेंजिंग द बॉक्सेस एवरी डे और मेरा लंच बॉक्स बिल्कुल तुम्हारे जैसा था सेम टू सेम इसलिए मैंने बॉक्सेस को एक्सचेंज करना शुरू किया रीनी एंड हर फ्रेंड्स लुक्ड एट ईच अदर एंड स्टार्टेड लाफिंग अब रीनी और उसके फ्रेंड्स एक दूसरे की तरफ देख के हंसने लगे व्हाट्स योर नेम आज रीनी तो रीनी ने कहा तुम्हारा नाम क्या है आई एम नेहा सेड द न्यू गर्ल एंड आई एम रियली सॉरी तो न्यूगल ने कहा मेरा नाम नेहा है और आई एम रियली सॉरी उसने सॉरी फील कर लिया गिल्टी फील करना बहुत अच्छी बात है वो भी उसने ब्रेवली किया अदरवाइज स्टूडेंट्स या बच्चे जो भी होते हैं अपनी गलती इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते हैं एक दूसरे की तरफ करते हैं मैम इसने खाया होगा मैम इसने खाया होगा मैम इसने किया होगा थैंक यू नेहा सेट करण करण ने कहा अरे नेहा तुम्हें तो थैंक यू रीनी हैज़ लर्न टू ईट एंड एन्जॉय द हेल्दी फूड क्योंकि रीनी ने खाना सीखा वो भी हेल्दी खाना और इसने हेल्दी खाने को हेल्दी फूड को इन्जॉय किया है ना उसको एन्जॉय करके फिर खाया आपको पता है कोई भी अगर आप खाना खाते हो और उसे इन्जॉय करती हो उस खाने को वो हेल्दी फूड वो ऑटोमेटिक हेल्दी बन जाता है ठीक है ना कम एंड जॉयस नेहा सेड रीनी रीनी ने कहा नेहा आओ हमारे साथ खा लो है ना कमेंट अस द फूड योर मदर पैक इज़ रियली टेस्टी नाउ वी कैन शेयर और लंच सो दैट वी ऑल ईट समथिंग वी लाइक अ लॉट एंड सम हेल्दी फूड ऑल्सो तो अब रिनी ने कहा कि जो फूड तुम्हारी मॉम ने पैक किया वो बहुत ही टेस्टी है और अब हम जब साथ में बैठेंगे तो हम हमारा लंच एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं ताकि जो कुछ भी हमें पसंद हो हम उसे खा सकें और कुछ हेल्दी फूड भी ले सकें सो so, यहाँ पर इट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी तो यहाँ पर एक मैसेज भी मिलता है कि वी शुड इट हेल्दी फूड्स है ना हेल्दी फूड्स खाना अच्छा है मॉम ने हेल्दी फूड रखा नेहा के लिए क्योंकि नूडल्स डेली खाना अच्छा नहीं है रिनी को भी एक सबक मिला कि हेल्दी फ़ूड खाना चाहिए हेल्दी फ़ूड भी टेस्टी होता है ज़रूरी नहीं है कि नूडल्स ही टेस्टी हों ओके सो टेक हेल्दी फ़ूड एंड स्टे सेफ स्टे हेल्दी जिन बच्चों ने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो देख लेना और पूरे चैप्टर को अच्छे से समझ लेना ठीक है और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो मैं करवाऊँगी और अपने मन से भी दूंगी मैं क्वेश्चंस जो हैं एंड तुमने पेपर बहुत अच्छा किया मुझे अच्छा लगा और चीटिंग किसी ने भी नहीं करी सो थैंक यू और आगे भी इसी तरह से करना ओके बाय टेक केयर